वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111। मैं हूं मानिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रिकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। मैं लेकर आई हूं मिथुन राशि फल जुलाई मंथ के लिए। जुलाई मंथ में मिथुन राशि के लिए क्या गुड न्यूज आने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स उनको मिलने वाली है, लव लाइफ में और उनके वर्क प्लेस पे क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये हम जानेंगे आज की इस रीडिंग में। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है तो जरूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो। स्टार्ट करते हैं मिथुन राशि पर जुलाई मंथ के लिए। जुलाई मंथ में मिथुन राशि को क्या गुड न्यूज मिलने वाली है, इसका आउटकम क्या रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, उसका आउटकम क्या रहने वाला है, वर्क प्लेस पे क्या चेंजेस आने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं गाइस मिथुन राशि पर गुड न्यूज क्या मिलने वाली है। तो जो भी इतने टाइम से अटका हुआ पैसा था, अटकी हुई कोई भी सिचुएशन थी आपकी, तो वो जुलाई मंथ में हटने वाली है। जो रुका हुआ पैसा था वो आने वाला है। अगर कहीं पे स्टक हुए हुए थे तो वो सिचुएशन से भी आप बाहर निकलने वाले हैं। आपके सारे काम होने वाले हैं, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक नई एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। और जो ये सेवन ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, जो कि मुझे दिखाता है कि जो भी चेंजेस आएंगे वो परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए भगवान ने सोच रखा है, जो भी जुलाई में चेंज होगा आपके साथ, वो परमानेंट आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आने वाला है। अगर कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। और अगर आप कोई चीज़ सेल करने वाले थे, बहुत टाइम से नहीं हो रही थी, तो वो भी आपकी सेल हो जाएगी। नया मकान अगर आप लेना चाहते थे वो भी जुलाई मंथ में आप फाइनल कर सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आया है। और ये कार्ड की एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि कुछ न्यू आपकी लाइफ में होने वाला है। और वो ब्लेसिंग्स वाली सिचुएशन है, क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। वाओ, जैसा कि मैंने आपको बोला कि कुछ न्यू, अगर आप कोई नया घर चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं जुलाई मंथ में मिथुन राशि। और कुछ फैमिली के लिए अगर आप सोच रहे हैं, अगर मैरिज के लिए आप सोच रहे हैं, तो मैरिज के भी बहुत स्ट्रांग चांसेस है। अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो उसके लिए भी भगवान की ब्लेसिंग्स उनको जुलाई मंथ में मिलने वाली है। और नई गुड न्यूज उनके घर में आने वाली है। टोटली अगर मैं बताऊं तो ब्लेसिंग्स कार्ड में अगर 10 of cups का कार्ड आया है, तो सारी खुशियां आपको मिलने वाली है। जुलाई मंथ में जो भी इनकम्प्लीट था वो आप कंप्लीट करेंगे। घर में कोई अच्छा सेलिब्रेशन हो सकता है, आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए मुझे यह नजर आ रहे हैं। घर में हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, पार्टी कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं आप जुलाई मंथ में। देखते हैं वर्क प्लेस पे क्या चेंजेस आने वाले हैं। जस्टिस एंड पार्टिसिपेशन, ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि जो भी सिचुएशन थी बैलेंस होने वाली है। जैसा कि फर्स्ट कार्ड में ही मुझे दिख गया था कि जो सिचुएशन, मतलब कुछ भी रुका हुआ था, अटका हुआ था, बिजनेस को लेकर भी अगर कुछ भी अटकी हुई सिचुएशन थी, तो वो सब चीजें आपको मिलने वाली है। अगर लीगली कोई काम आपका रुका हुआ था, हो सकता था बहुत टाइम से कोई कोर्ट केस चल रहा था, या फिर आपको किसी जजमेंट का इंतजार था, तो वो आपके फेवर में रहने वाला है। और फोर ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगेन सेलिब्रेशन दिखा रहा है। और अगेन मुझे ये दिख रहा है कि कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं किसी प्रॉफिट से। और ये किसी पार्टनरशिप में भी आप ले सकते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कोई पार्टनरशिप में भी आप ले सकते हैं। देखते हैं लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। वेरी नाइस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, आप अपने पार्टनर का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस रिलेशन तो है ही, 100% है, लेकिन डिवाइन टाइम का भी आप वेट कर रहे थे। आपको लग रहा था कि कब अच्छा समय आए और कब मैं अपने पार्टनर से मिलूं, कब मैं उनको बोल दूं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। और अभी मैं अपनी लाइफ में मुझे सब कुछ मिल चुका है।
आप द रिबेल की एनर्जी में है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको सब कुछ मिल चुका है, अभी कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं जिस पार्टनर को चाहता हूँ अपनी लाइफ में लाने के लिए वो आ जाए, तो आपका ये इंतजार यहाँ पर जुलाई मंथ में मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। मिथुन राशि जुलाई मंथ, यस, हैप्पी हो जाइए वुमन होल्डिंग अ हार्ट। जो भी पार्टनर का आप वेट कर रहे थे वो जुलाई मंथ में आपको मिलने वाला है। कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज दे रही है। एंजल मैसेजेस मिथुन राशि के लिए, एंजल के मैसेजेस, यस यस, स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी स्टार्ट हो सकती है गाइस। एंजल आपको मैसेज दे रही है कि जस्टिस कार्ड को देखकर मुझे यहाँ पर अभी एक चीज और समझ में आ रही है कि जो भी कार्मिक प्रॉब्लम्स थी वो सब रिलीज हो गई है, और जुलाई मंथ में आप अपने आप को फील करेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हूँ, मैं स्पिरिचुअल लाइन में जा रहा हूँ और मुझे मेरी सारी विशेस पूरी होती जा रही है। ऐसा फील करेंगे कि भगवान मेरी सुन रहा है, अरे ये भी सुन लिया, ये भी सुन लिया, ये विश भी पूरी हो गई, तो वो सब होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बस आपको क्या करना है, एंजल एक और मैसेज आपको दे रही है, कैंसिल, क्लियर और डिलीट। जो भी बहुत टाइम से आपके मन में कुछ था किसी के लिए भी, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी थी, कोई ज्वेलसी थी या कुछ भी था, तो उसको रिलीज करने का टाइम आ गया है। अगर आप उसको रिलीज करते हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जल्दी आने वाली है। तो क्या करना है, सिर्फ जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको अपनी लाइफ से डिलीट करना है। कैंसल, क्लियर, डिलीट, थ्री टाइम्स आपको ये बोलना है, भगवान का थैंक्स करना है और आने वाली खुशियों का वेलकम करना है। ये थी मिथुन राशि की रीडिंग। गाइस आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। Thank you so much.